आगे बढ़ते हैं और हमारे साथ SBI सिक्योरिटीज से सनी अग्रवाल भी मौजूद हैं। सनी जी, थैंक यू सो मच समय देने के लिए। आपसे पेटीएम पर एक राय लेंगे, क्योंकि आज भी ये स्टॉक 3% ऊपर है। कल थोड़ा रेंज बाउंड सेशन में था, लेकिन आज 3% ऊपर ये कारोबार कर रहा है, लेकिन पिछले काफी समय से ये स्टॉक चल रहा है। कुछ कंसर्न्स भी हैं कंपनी के साथ, लेकिन दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि नतीजों के लिहाज से और मैनेजमेंट कुछ यहाँ पर रिकवरी करने की बात कर रही है। ओवरऑल कंपनी के फंडामेंटल्स आपको कैसे नजर आ रहे हैं पेटीएम के? ऑलरेडी ये काफी चल चुका है, लेकिन हम देख रहे हैं कि 940 के आसपास फिर आता है, उसके बाद एक थोड़ी गिरावट भी यहाँ पर देखने को मिलती है। तो पेटीएम में अभी भी बने रहना चाहिए और तेजी के लिए, या जिनके पास पहले की होल्डिंग है अभी प्रॉफिट बुक कर लें? गुड आफ्टरनून एंड थैंक्स फॉर हैविंग मी ऑन द शो। आई थिंक जिस तरह से मैनेजमेंट ने अपना जो बिजनेस मॉडल है वो चेंज किया है पोस्ट रेगुलेटरी क्लैम्पडाउन, मुझे लगता है कि एक काइंड ऑफ ग्रेजुअल रिकवरी हम पेटीएम के परफॉर्मेंस में आते हुए देखेंगे। हमने रिसेंटली देखा है कि फिर से जो इनके जो पेमेंट सोल्यूशन है इसमें इन्होंने फिर से अपने मार्केट शेयर गेन करना स्टार्ट किया है। लोन डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस में भी कहीं ना कहीं एक अपटिक नजर आ रहा है, तो मुझे लगता है कि बट हालांकि जो पॉजिटिव डेवलपमेंट है, आपने बहुत सही कहा कि जो स्टॉक है तकरीबन डबल हुआ है पिछले 3-4 महीने में, तो मुझे लगता है कि जितनी पॉजिटिविटी थी आई थिंक नाउ एवरीथिंग इज इन प्राइस। एज ऑफ नाउ मैं न्यूट्रल रहना चाहूंगा और एक बार दिसंबर क्वार्टर के जो नतीजे हैं फिर से ट्रैक करने के बाद आगे की जो स्ट्रैटेजी है मैनेजमेंट से रणनीति समझ कर देन इसमें पोजिशन बनाने की राय रहेगी। एज ऑफ नाउ आई वुड लाइक टू रिमेन न्यूट्रल, और जिनके पास ऑलरेडी पोजिशन है नीचे के रेट की उन्हें मैं पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग की एडवाइस देना चाहूंगा। ओके, ये राय फिलहाल पेटीएम में सनी अग्रवाल जी की तरफ से बनती है।